दोस्तों बचपन से ही मुझे बिजनेसमैन बनना था। जब भी कोई पूछता तो मैं यही बात बताता था। उनमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट ये होता था कि बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें चैलेंजेस भी है, बट इन चैलेंजेस के साथ साथ इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। और ये बात मुझे क्लियर तब हुई जब मैंने स्टीव जॉब्स की एक स्टोरी सुनी। उस स्टोरी से मैंने तीन बातें सीखी जो कि हर एक एंटरप्रेनर को, हर एक बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए, और वही स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। दोस्तों ये स्टोरी तब की है जब स्टीव जॉब्स अटारी नाम की एक गेम मेकिंग कंपनी में काम करते थे। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स और उनकी टीम एक गेम बना रहे थे, और स्टीव जॉब्स का ओपिनियन था कि जो भी गेम हम लोग खेलते हैं उसके पीछे का हमारा मकसद होता है एंजॉयमेंट। बट जो गेम स्टीव जॉब्स और उनकी टीम बना रही थी उसमें ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं था जो उन्हें एंजॉयमेंट फील करवा सके, और इसीलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम के साथ कुछ सजेशन शेयर किए। बट इन रिपीटेड सजेशंस की वजह से उनकी टीम इरिटेट हो गई, और इसी वजह से स्टीव जॉब्स का उनकी टीम के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। इस आर्ग्यूमेंट के बाद स्टीव जॉब्स अपने मैनेजर के पास चले गए। उन्होंने पूरा सीन अपने मैनेजर को समझाया। उसके बाद मैनेजर ने कहा कि स्टीव, यू आर गुड, यू आर डैम गुड, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद द पीपल। ये सुन के स्टीव जॉब्स कहीं ना कहीं थोड़े इरिटेट हो गए। उन्होंने मैनेजर से कहा कि ठीक है, भले ही मैं अपनी टीम के साथ काम करने के लिए इतना परफेक्ट नहीं रहूंगा, तो आप एक काम करो, मुझे अपना खुद का प्रोजेक्ट दे दो, ताकि जो भी चेंजेस मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो सारे के सारे चेंजेस मैं अपने गेम में इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। इस पर मैनेजर ने कहा ठीक है, जो भी चेंजेस तुम मुझे अभी सजेस्ट कर रहे हो वो सारे के सारे चेंजेस अगर तुम अपने गेम में इनकॉर्पोरेट कर पाते हो तो आई विल गिव यू $5,000 एज अ रिवॉर्ड। विदाउट अ सेकंड थॉट स्टीव जॉब्स ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। यहां स्टीव जॉब्स जानते थे कि उनके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। घर पर जाने के बाद उन्होंने एक पेपर पर इस गेम को डिजाइन कर लिया। अब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था एग्जीक्यूशन में, तो उन्होंने अपने बचपन के दोस्त स्टीव वॉजनियाक को कॉल लगाया जो कि टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट थे। उन्होंने सारी कहानी स्टीव वॉजनियाक को समझाई और उनको हेल्प करने के लिए राजी भी कर लिया। उन दोनों ने मिलकर उस दिन उस गेम को डेवलप कर लिया। नेक्स्ट डे जब स्टीव जॉब्स ने अपने मैनेजर के सामने उस गेम को प्रेजेंट किया तो मैनेजर वॉज लिटरली इंप्रेस्ड। उनको वो गेम देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एज पर द डील स्टीव जॉब्स को $5,000 भी दिए। बट यू नो वॉट, उन $5,000 में से ओनली $350 स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियाक को दिए जो कि टेक्निकल चीजों में उनकी हेल्प कर रहे थे। इस एक्सपीरियंस से स्टीव जॉब्स ने एक बात सीखी कि भले ही मेरे पास हर एक चीज की एक्सपर्टीज नहीं है, बट मुझे ऑलवेज ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मेरे लिए काम करेंगे जहां पर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। दोस्तों इस स्टोरी से मैंने तीन चीजें सीखी। नंबर वन, ऑलवेज एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी। बहुत बार हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है बट हम उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज हमें पता नहीं होता कि उसको करना कैसे है। पर दोस्तों अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस स्टोरी में स्टीव जॉब्स को पता था कि उनके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, स्टिल उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और बाद में वो भी फिगर आउट कर लिया कि इसको करना कैसे है। सो एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी। नंबर टू, यू विल ऑलवेज फाइंड द स्किल पीपल। दोस्तों कई बार हम लोग अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं होता जो भी उस काम को करने के लिए चाहिए। बट याद रखना, अगर आपने ढूंढा तो आपको ऑलवेज ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास वो स्किल भी होगा और वो आपको हेल्प भी करेंगे, जैसे कि इस केस में स्टीव वॉजनियाक ने स्टीव जॉब्स की हेल्प की। नंबर थ्री, डोंट वेट फॉर योर ओन आइडिया। दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें बिजनेस तो करना है, लेकिन हम लोग बिजनेस तब करेंगे जब हमारे पास हमारा खुद का आइडिया होगा। ऐसा कभी मत करना। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्किल जरूर होता है जिस स्किल के बेस पर हम लोग किसी और के आइडिया का एक पार्ट बन सकते हैं और उस पार्ट को हैंडल भी कर सकते हैं। और जब तक आपको आपका आइडिया नहीं मिलता तब तक आप उस बिजनेस से बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। दोस्तों मैकडॉनल्ड का आइडिया भी रे क्रॉक का नहीं था, बट आज भी मैकडॉनल्ड जाना जाता है रे क्रॉक के नाम से। सो इसीलिए वेट मत करना कि आपके पास कोई आइडिया आएगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। डू इट फ्रॉम नाउ। दोस्तों आपको हमारा ये पहला ऑफिशियल वीडियो कैसा लगा और आपने इसे क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो विल पावर स्टार को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार। सी यू सून। बाय बाय।